सदाए हक कश्मीर न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। बन रोड हादसे में जांबाग होने वाले नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मलिक अज़हर मेनास की नमाज जनाजा संगोट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। मकतबा फ़िक्र से ताल्लक रखने वाले अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। हर आँख अश्कबार थी। मलिक अज़हर महरूम इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक तबीयत के मालिक थे। मलिक अज़हर 8 माह कबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब हुए और अपनी जिम्मेदारियाँ नहायत अहसन तरीके से सर अंजाम दी। मलिक अज़हर की अचानक मौत की खबर सुनकर सारे शहर की फिजा सोगवार हो गई। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की रूह के असाले सवाब के लिए रूह परवर दुआ भी की गई। अल्लाह पाक मरहूम की मगफरत और लवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। बन रोड ट्रैफिक हादसे में जांबाग होने वाली कीमती जानों का जिम्मेदार कौन? ब्रिटिश नौजवानों की तेज़ रफ्तारियों से आए रोज़ मीरपुर में होने वाले ट्रैफिक हादसात से कहीं कीमती जानें ज़ाया होने लगें, मगर ये हादसा तो तेज़ रफ्तारी का सिलसिला ना रुक सका। पुलिस ने हादसे का मुकदमा तो दर्ज कर लिया है जिसमें एक शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, मगर मरकज़ी मुलज़म फरार है और शुबा जाहिर किया जा रहा है कि मरकज़ी मुलज़म बैरून मुल्क फरार हो चुका है, जबकि मुबैना तौर पर उसकी जगह किसी और को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। मुतअद्दिद हादसात में ड्राइवर मौका से फरार हो जाते और बाद अज़ां साज बाज करके बैरून मुल्क रफो चक्कर हो जाते हैं और मुतासर खानदानों पर दबाव और असर व रसूख इस्तेमाल करके राजीनामे कर लिए जाते हैं, मगर मरने वालों के लवाइकीन को इंसाफ नहीं मिलता। मुक्तदर हलकों ने आईजी आज़ाद कश्मीर और एसएसपी मीरपुर से पुरजोर मुतालबा किया है कि बन रोड हादसे के मरकज़ी मुलजमान को गिरफ्तार करके करार वाक़ सजा दी जाए और आए रोज़ होने वाले हादसात पर काबू पाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ। गुज़श्ता रोज़ अकबर रोड पर तेज़ रफ्तार कार ने 2 बच्चों को कुचल दिया था, जबकि हादसे का मुर्तकिब मरकज़ी मुलज़म बैरून मुल्क फरार हो गया, जो कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारगर्दगी पर सवालिया निशान है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर से यह भी मुतालबा किया है कि बन रोड पर आए रोज़ होने वाले हादसात से बचाव के लिए स्पीड ब्रेकर नसब किए जाएं। बन रोड पर नौजवानों की तरफ से वन व्हीलिंग का ख़तरनाक खेल भी देखने में आता है, जिसकी वजह से कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। इस खेल के ख़िलाफ़ भी सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है।